मुंबई भाजप अध्यक्षपदी नियुक्त झालेले मंगल प्रभात लोढा यांनी शुक्रवारी आपल्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. यावेळी मावळते अध्यक्ष आशिष शेलार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यावेळी मंगल प्रभात लोढा म्हणालेत, मुंबईतील बांगलादेशी नागरिकांची वाढती घुसखोरी आणि होणारे बोगस मतदान थांबविण्याचा ते त्वरित प्रयत्न करणार आहेत. पाहूयात काय म्हणालेत लोढा. एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में, एक राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र जी ने जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्र विरोधी तत्वों को मात दी है, आपको भी आनंद आता है, मुझे भी आनंद आता है. कब तक हम ये सहन करते रहेंगे कि मुंबई के अंदर अभी कल की एक घटना, अभी मुझे प्रसाद लाल जी बता रहे थे कि कल पुलिस वाले कोई बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए गए तो उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया. अरे ये भारत है, ये 2011 का बम विस्फोट करने का मंसूबा रखने वालों के लिए एक चेतावनी है कि अब मुंबई जागा. और मुंबई के अंदर ऐसे लोगों का नेतृत्व है जो कि किसी जाति विशेष के वोटों के लिए देश के सम्मान की, देश की सुरक्षा का सौदा नहीं करते हैं. और अब ये सबको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप आजमगढ़ की वोटर लिस्ट में भी नाम रखोगे और मुंबई की भी वोटर लिस्ट में नाम रखोगे, बांग्लादेश के अंदर की वोटर लिस्ट में आप वोट देकर आओगे और मुंबई के अंदर भी आपका नाम रहेगा. यदि नाम रखना है तो पूरे भारतीय बनकर रहो, पूरे मुंबई कर बनकर रहो. दूरअर्थी यहाँ पर अलग अलग विवाद, अलग अलग रीति रिवाज मुंबई के अंदर आने वाले समय में चलने वाले नहीं है. तसंच मुंबईतील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतील 36 जागांवर विजय मिळवणार असल्याचं देखील मंगल प्रभात लोढा म्हणाले. 2014 विधानसभा निवडणुकीत 48 तासाआधी युती तुटली होती, तेव्हा आपल्या 15 जागा आल्या होत्या. आता युती झाली आहे, त्यामुळे मुंबईत 36-0 अशी मॅच जिंकायची आहे, असं देखील लोढा म्हणाले. ते मोदीजी और देवेंद्रजी के नेतृत्व में मुंबई के अंदर 36-0 का नारा हमने दिया, नारा हमने दे दिया, पर कोई अकेला गोल कभी मार नहीं सकता. यदि वास्तव में आपको 36-0 करना है तो यहाँ से बैठे हुए लास्ट तक के हर व्यक्ति को अगले जो 75 दिन अपने हाथ के अंदर हैं उसके अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा. कमल किसी के भी हाथ में लेकर खिले पर कॉलर अपने घर के अंदर, अपनी गली में अपनी टाइट होने वाली है. ये बात यदि हम जान लेंगे तो जो हमारी मुंबईत भाजप विरोधकांना टक्कर देण्यासाठी तयार झाली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात विधानसभेचं बिगुल वाजलं आहे असं समजायला हरकत नाही. व्हिडिओ जर्नालिस्ट कुणाल बांद्रेसह धनंजय दळवी, HW मराठी न्यूज, मुंबई.